In today's lecture, we will study about data preprocessing techniques. This is the agenda of our lecture. Why preprocess the data? Data cleaning, data integration and transformation, data reduction, discretization and concept hierarchy generation, and summary. So first we will know why we need to preprocess the data. जो हमारे पास रियल वर्ल्ड से डेटा आता है दैट्स यूजली डर्टी डेटा. डर्टी डेटा से मुराद है कि हमारे पास मिसिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, समटाइम्स उनमें नॉइज़ होता है और इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर होता है. मिसिंग ये इनकम्प्लीट एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि समटाइम्स जब हमारा कोई सेंसर डेटा कलेक्ट कर रहा था, उसे कोई भी रिसोर्स, कोई वर्कर उसे एक्सेल में या किसी भी डेटा फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में राइट कर रहा था, तो उसे कोई मिस्टेक हो गई. Because there are thousands of attributes, thousands of cells to be filled, तो किसी भी mistake की वजह से वो fill नहीं कर पाए, तो हमारे पास वो incomplete या missing attribute रह जाते हैं. Noisy data से मुराद ये है कि कुछ गलत किस values fill हो गई, mistakenly ऐसी values fill कर दी जो कि correct नहीं थी. जैसे किसी की salary लिखी गई -10, -10 cannot be the value of salary, ठीक है, तो it's the noise. Inconsistent behavior ये कि समटाइम्स टू और मोर एट्रीब्यूट्स जो कि हमें लॉजिकली दे मेक सेंस, वो सही से नहीं लिखे हुए होते. जैसा कि अगर किसी की एज 42 है तो उसकी अकॉर्डिंग टू टुडेज डेट उसकी बर्थडे 1997 में नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनमें इनकन्सिस्टेंसी है, इधर द एज इज़ करेक्ट और द बर्थ डेट इज़ करेक्ट. इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जांपल एक मूवी की रेटिंग का डेटा सेट है तो रेटिंग्स 1, 2, 3 के हिसाब से हुई हुई हैं, फिर अचानक से डेटा में हम लिखते हैं कि ABC, तो एक कॉलम में पहले 1, 2, 3 है फिर ABC है, तो इसका मतलब है डेटा में कोई प्रॉब्लम है. जब डेटा को कलेक्ट किया गया या जब डेटा को किसी CSV में राइट किया गया तो देयर आर सम मिस्टेक्स. अब जब हम रियल लाइफ से डेटा ऐसा कलेक्ट करते हैं तो वी आर मोर प्रोन टू दीज इनकन्सिस्टेंसीज. हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा भी आएगा, नॉइस भी आ सकता है और इनकन्सिस्टेंट डेटा भी हो सकता है. तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मशीन लर्निंग एनालिसिस ऑन इट, कि हम डेटा का एनालिसिस करें, उसमें से कोई फ्रूटेबल इंफॉर्मेशन निकालें जो हमारे काम की हो, हमारे पास पहले डेटा क्लीन होना चाहिए. इफ नो क्वालिटी डेटा, नो क्वालिटी रिजल्ट्स. अगर हमारे पास डेटा में मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं, डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं आने वाले. डेटा प्रिपरेशन जो कि हमारा यूजुअली डेटा माइनिंग में जो एनालिसिस होता है लार्ज डेटा का, बिग डेटा का, वो 80% ऑफ द टाइम इट इज़ इन्वॉल्व्ड विद डेटा प्रीप्रोसेसिंग, यानी कि डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा को क्लीन करना, ठीक है, और उसे किसी ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना कि जिसके बाद आप कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करें तो इट विल बी करेक्ट. तो 80% ऑफ द टाइम्स हम जो काम करते हैं वो डेटा प्रीप्रोसेसिंग का काम करते हैं. नेसेसरी टू मेक डेटा मोर सुटेबल फॉर डेटा माइनिंग एंड इम्प्रूव द डेटा एनालिसिस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी. सो दैट्स वाई वी नीड टू डू डेटा प्रीप्रोसेसिंग. सो इफ अ डेटा इज करेक्ट, हम कहते हैं कि डेटा की क्वालिटी को कैसे असेस करते हैं, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो डेटा में होने चाहिए. एक्यूरेसी होनी चाहिए डेटा में. एक्यूरेसी भी यहाँ से मुराद ये कि डेटा आपका एक्यूरेट हो, कम्प्लीटनेस हो, नो मिसिंग वैल्यूज, कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, दूसरे रिकॉर्ड्स के साथ. जैसे हमने देखा कि अगर एज 42 है तो हम डेट ऑफ बर्थ 1997 नहीं हो सकती, ठीक है. टाइमलीनेस हो, यानी कि टाइम पे अवेलेबल हो, जब हमने उसका एनालिसिस करना हो हमारे पास राइट डेटा एट द राइट टाइम हो. बिलीवेबिलिटी हो, यानी कि डेटा लॉजिकल हो. जैसे लेट्स से कि हम बात करते हैं कि किसी की एज है एंड इट इज़ 200, सो इट्स नॉट पॉसिबल. पॉसिबल होगी लेकिन इन आर सिनेरियोस किसी की 200 एज नहीं पहुंच पाएगी किसी भी सूरत में, ठीक है. हमारे पास एक एवरेज एज 65-70 चल रही है, मैक्सिमम किसी की हो जाएगी तो 100 हो जाएगी, लेकिन 200 कभी नहीं होगी. तो डेटा शुड बी लॉजिकल, इट शुड मेक सेंस. वैल्यू एडेड, यानी कि जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड करें, हमारी प्रॉब्लम से रेलिवेंट हो, ठीक है. इंटरप्रेटेबिलिटी हो, इंटरप्रेटेबिलिटी से मुराद अंडरस्टैंडेबल हो, हम समझ सकें कि डेटा में जो जो हमारे पास कॉलम्स हैं, जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो किस किस चीज़ को
जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और एक्सेसिबिलिटी हो हमारे लिए, एक्सेसिबल हो डेटा, हम उसे किसी रिसोर्स से डाउनलोड कर सकें, कलेक्ट कर सकें. ठीक है, सो दीज आर ऑल थिंग्स जो कि हमें डेटा की क्वालिटी बताती हैं. अगर एक गुड क्वालिटी डेटा होगा तो ही वी विल बी एबल टू डू अ गुड एनालिसिस. सो मल्टी डायमेंशनल मेजर ऑफ डेटा क्वालिटी, ये उसी का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. कंप्लीटलीनेस, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, के सारे के सारा डेटा जो हमें चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है. वैलिडिटी है, और ऑल डेटा वैल्यूज इन द वैल्यू डोमेन स्पेसिफाइड बाय द बिजनेस, यानी कि जो वैलिड जिस पर्टिकुलर बिजनेस में हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग में करना चाह रहे हैं, तो जो जो चीज़ें उसमें हमारे डेटा में मौजूद है वो हमारी चीज़ से रेलिवेंट हैं, वैलिड हैं या नहीं है. ठीक है, एक्यूरेसी है, डज डेटा रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और अ वेरीफाइबल सोर्स. ठीक है, कि वो किसी ऑथेंटिक रिसोर्स से डेटा आ रहा है या बस रैंडम किसी ने फिल किया हुआ है. ठीक है, कंसिस्टेंसी है डेटा में या नहीं, जो जो हमने पहले भी इस एग्जांपल देखी. इंटेग्रिटी है. ठीक है, आर द रिलेशंस बिटवीन एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स कंसिस्टेंट. और टाइमलीनेस, इज डेटा इज अवेलेबल ऑन टाइम और नॉट. ऑलराइट, सो अब हमने देख लिया कि हमें डेटा की प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों है, इन ऑर्डर टू गेट अ गुड क्वालिटी डेटा एंड अ गुड क्वालिटी एनालिसिस. अब डेटा प्री प्रोसेसिंग में कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स होते हैं, इनमें से वन ऑफ द मेजर स्टेप इज डेटा इंटीग्रेशन. हमने मल्टीपल रिसोर्सेज से डेटा लिया है तो उसको इंटीग्रेट करना है किसी एक फाइल में, एक CSV बनानी है जिसमें हम एनालिसिस कर सकें. ठीक है, जैसे आपने एक सिटी में वेदर का या एक कंट्री में वेदर का आपने एनालिसिस करना है कि किस एरिया में कैसा वेदर है, तो यू नीड टू गेट द वेदर डेटा फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज या ऑल द सिटी रीजन्स, कि किस सिटी में कैसा है, किस सिटी में कैसा है, किस सिटी में कैसा है, और उन सबको कंबाइन करके आपको कोई एक डेटा फाइल प्रिपेयर करनी है. ठीक है, डेटा क्लीनिंग है. क्लीनिंग में हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग, मिसिंग वैल्यूज हैं हमारे पास, नॉइजी डेटा को रिमूव करना है, आउटलायर्स को रिमूव करना है, इनकंसिस्टेंसीज को रिजॉल्व करना है. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है. ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद के डेटा आपके पास एक स्केल पे है या एक फॉर्म में है, हमने उसे किसी दूसरी में कन्वर्ट करना है या दो फॉर्म्स को मिलाकर एक फॉर्म बनानी है. डेटा रिडक्शन है. रिडक्शन से मुराद ये कि डेटा हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा है, हमने उसको कम करना है इस तरह से कि अगर हम कम पे भी एनालिसिस परफॉर्म करें और ज़्यादा पे भी एनालिसिस परफॉर्म करें तो एक ही तरह के रिजल्ट्स आएँ, तो वाई वी यूज़ कॉम्प्लेक्स थिंग्स. ठीक है, डेटा डिस्क्रीटाइजेशन है. डिस्क्रीटाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है, हम उसे डिस्क्रीट कर रहे हैं, किसी दो तीन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो वी विल डिस्कस दीज. अब डेटा प्रोसेसिंग का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि क्लीनिंग है तो आपका एक नॉइजी डेटा या डर्टी लुकिंग डेटा विल बी टर्न आउट टू बी क्लीन. डेटा इंटीग्रेशन है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से डेटा है, आपने उसको एक डेटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे डेटा है -2, 32, 100, 59, 48, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया 0 to 1 की रेंज में. ठीक है, और डेटा रिडक्शन ये है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमने उसको एक छोटे डेटा में रिप्रेजेंटेशन दे दिए. सो लेट्स सी डेटा क्लीनिंग में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं. डेटा क्लीनिंग इज द नंबर वन प्रॉब्लम इन डेटा वेयर हाउसेस. वेन एवर वी हैव टू डू एनालिसिस हमें डेटा की क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हम कंसिडर करते हैं, फिल इन द मिसिंग वैल्यूज़, कि जैसे हमारे पास हमने डाटा कलेक्ट किया, कोई एक वैल्यू थी वो मिसिंग थी. ठीक है, अब हमने इससे पहले हमने एक एनालिसिस करें, या तो हमें करेंगे कि हम उस टपल को रिमूव कर देंगे जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू आई, उस टपल को, उस इंस्टेंस को रिमूव कर देंगे, या तो लेकिन इफ़ देर आर मोर देन वन टपल्स, जैसे अगर लेट्स से हमारे पास डाटा है जिसमें कोई 300 के करीब वी हैव टोटल इंस्टेंसेस हमारी 300 हैं, और कोई लेट्स से 50 एक ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिनमें किसी एक कॉलम की वैल्यू नल है. ठीक है, तो अब वी कैन नॉट रिमूव 50. अगर हम 50 रिमूव कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 250 रह जाएंगी. ठीक है, जो कि एक हमारे डेटा को और कम कर देगा, यानी कि हमारा एनालिसिस
अच्छा नहीं हो सकेगा. तो हम क्या करते हैं, फिर उनको फिल करने की कोशिश करते हैं कि हम कोई कोई ऐसी वैल्यू उसके अंदर फिट इन कर दें जिसकी वजह से हमारा डाटा उतने का उतना रहे और हम एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकें. आइडेंटिफाई आउटलायर्स एंड स्मूथ आउट नॉइजी डेटा. अब आउटलायर्स क्या हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की कि एज, ठीक है, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया उसमें लोगों की एजेस भी लिखी हुई थी. लेट्स से कि डेटा एम्प्लॉयज़ की एज का डेटा, किसी भी कोई सॉफ्टवेयर हाउस है उन्होंने एम्प्लॉयज़ की एजेस लिखी हुई हैं. अब एक सॉफ्टवेयर हाउस में एम्प्लॉयज़ की एज क्या हो सकती है, ठीक है, कोई 200 तो नहीं होगी किसी की भी एज, ठीक है, ना तो एज 200 हो सकती है किसी की, ना ही एज किसी की लेट्स से 10 ईयर्स हो सकती है. सो अब वो 100 एम्प्लॉयज़ में से जो 98 एम्प्लॉयज़ थे उनका जो एजेस थी वो किसी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड में आ रही थी, यानी कि दे वर ऑल बिटवीन 20 to 60 लेट से, ठीक है. लेकिन ये जो आपके पास दो वैल्यूज़ आई, एक 10 आई और एक 200 आई, सो दीज आर द आउटलायर्स. नॉइज़ है डाटा में, किसी न किसी तरीके से आपने एक गलत वैल्यू जो है उसको अंदर इंसर्ट कर दिया डाटा में, या डाटा कलेक्शन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आई है, वट एवर. सो वी नीड टू रिमूव दिस आउटलायर्स, आइडेंटिफाई करना है कि आउटलायर्स कहाँ पर हैं, उनको रिमूव करना है या उनको किसी अप्रोप्रिएट वैल्यू पे शिफ्ट करना है, कि फिल करना है कि ये 10 तो नहीं हो सकती, हो सकता है ये 20 हो, ये 200 तो नहीं हो सकती, हो सकता है ये कुछ 60 के करीब हो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट. करेक्ट इनकन्सिस्टेंसीज, जैसे इनकन्सिस्टेंसी है किसी डेटा में उसको हमने ठीक करना है. रिडंडेंसी, रिडंडेंसी बेसिकली क्या होती है, कि जब हमारे पास सेम डेटा रिपीट हो रहा था, रिपीटेशन आ रही होती है डेटा में. फॉर एग्जांपल कि आपने जब डेटा 2-3 रिसोर्सेज से इकट्ठा किया तो कुछ टपल जो थी वो डुप्लीकेट हो गई कॉपी करते हुए, तो अब रिडंडेंसी हमारे पास एनालिसिस में कोई भी रोल प्ले नहीं करती. एक डेटा एक दफ़ा मॉडल से गुजर गया, सेम डेटा दूसरी दफ़ा गुजर गया, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द मॉडल. सो हमने क्या करना होता है, उस रिडंडेंसी को भी रिमूव करना होता है, ठीक है. तो मिसिंग डेटा के बारे में हम देखते हैं कि मिसिंग डेटा में क्या चीज़ है. मैनी टपल्स हैव नो रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ सेवरल एट्रीब्यूट सच एज कस्टमर इनकम इन सेल्स डेटा, ठीक है. इन्होंने एग्जांपल दिया कि हो सकता है कि इनकम हमने नहीं लिखी हुई. मिसिंग डेटा मे बी ड्यू टू इक्विपमेंट मैल फंक्शन, आपका जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई. डेटा नॉट इंटर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, सर्टेन डेटा में नॉट बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री, ठीक है. जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो आपको लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है. और मे बी नो रजिस्टर हिस्ट्री और चेंजेस ऑफ डेटा, डेटा में कुछ चेंजेस आ गई और कुछ भी आपके पास डेटा मिस हो गया. दैट्स एन एग्जाम्पल के हॉस्पिटल चेक इन डेटाबेस, हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं तो उनका एक डेटाबेस हमने मेनटेन किया है, तो उसमें हमने नेम, एज, जेंडर तो लिख ली, लेकिन एट द टाइम ऑफ, अगर हम देखें एक हॉस्पिटल के सिनेरियो में आप चेक इन डेटाबेस बना रहे हैं तो आप किसी की भी हाइट नहीं लिखेंगे कि हॉस्पिटल में कितने लोग, जो लोग आए उनकी हाइट क्या थी, ठीक है. तो ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए एट द टाइम ऑफ नीड. वैल्यू मे बी मिसिंग बिकॉज इट इज़ अनरिकॉर्डेड और बिकॉज इट इज़ इनएप्लीकेबल, इनएप्लीकेबल नहीं है उस रेलिवेंट सिनेरियो में, ठीक है. अब हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा, सबसे इजी सॉल्यूशन, इग्नोर द टपल, ठीक है. नॉट इफेक्टिव व्हेन द परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज पर एट्रीब्यूट वेरीज कंसिडरेबली, यानी कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज हों जो मिसिंग हो तो हम इसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते. फिल द मिसिंग वैल्यू मैनुअली, यानी कि या तो मैनुअली आप मिसिंग वैल्यूज को फिल करें, मैनुअली से मुराद ये है कि आपने हाइट लिखनी थी लोगों की, ठीक है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि अराउंड हमारे यहाँ हाइट जो है वो 5 से 6 फुट के दरमियान होती है, या अगर बॉयज़ की बात की जाए तो 5'6" 5'8" तक चली जाएगी, तो हम अंदाजन कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो मैनुअली पुट करना ही है, टीडियस है, इनफिजिबल है, टीडियस यानी बहुत, इट्स अ लॉन्ग मोनोटोनस टास्क, आप नहीं कर सकते. अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1000 and 2000 यू हैव इंस्टेंसेज और आप मैनुअली उस सबको देखना पड़ेगा और फिल करना पड़ेगा. यूज़ अ ग्लोबल कॉन्स्टेंट टू फिल द मिसिंग वैल्यू, यानी कि आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू फिल कर दें फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी मिसिंग टपल, ठीक है. जहाँ पे भी मिसिंग आपके पास कोई सेल है यू फिल विद अ ग्लोबल वैल्यू.
यूज़ द एट्रीब्यूट मीन टू फिल द मिसिंग वैल्यू, दैट्स अनदर सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो भी उस एट्रीब्यूट में वैल्यूज़ हैं उनका मीन लें और मीन लेके मिसिंग वैल्यू को फिल कर दें. और यूज़ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू टू फिल द मिसिंग वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड इन्फेरेंस. यानी कि एक तो हमने पूरे डेटा के एनालिसिस से वैल्यू फिल करनी है और ये करनी है कि मोर प्रोबेबल क्या है. ठीक है, कि हम देखें कि उससे पीछे या आगे या उसके बाकी रिकॉर्ड के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, या उसके ऑल अदर एट्रीब्यूट्स के हिसाब से कि उसकी हाइट क्या हो सकती है. सो वी फिल दैट प्रोबेबल वैल्यू. ओके, सो आफ्टर मिसिंग वैल्यूज वी विल सी व्हाट इज अ नॉइजी डेटा. रैंडम एरर, इनकरेक्ट वैल्यूज मे बी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट, डाटा एंट्री प्रॉब्लम, डाटा ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, इनकन्सिस्टेंसीज इन नेमिंग कन्वेंशन, यूज स्मूथिंग मैकेनिज्म टू रिमूव नॉइज. ये भी हमारे पास ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स हम नॉइज भी आ सकते हैं हमारे डेटा में. और फिर हमने क्या करना होता है, इसको स्मूथ करना होता है कि डेटा को एक रेंज में लेकर आएंगे. जैसे हमने 200 एंड -10 वाली एग्जाम्पल वी हैव सीन अर्लियर, तो हमें उनको भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. दिस इज़ द सेम थिंग, आउटलायर रिमूवर, डेटा पॉइंट्स इनकन्सिस्टेंट विद द मेजोरिटी ऑफ डेटा. आपका सारा डेटा एक रेंज में है लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया जो विच इज़ आउट ऑफ द रेंज. ठीक है, डिफरेंट आउटलायर्स, जैसे इसमें भी अब नॉइजी और वैलिड आउटलायर्स के वैलिडिटी भी हो सकता है वो वैलिड हो. जैसे हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा कलेक्ट किया और वी वर राइटिंग द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़. अब सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक पर्टिकुलर रेंज में आएगी लेकिन CEO की सैलरी वुड बी very different from other employees. So कहने को तो वो भी outlier है, वो normally data की range में नहीं आ रहा, लेकिन that's a valid thing कि अगर हम employees के data का analysis कर रहे हैं and it has a CEO salary, so it's a valid thing. तो ये noise नहीं है, इसे हम remove नहीं करेंगे. लेकिन if someone's age is 200 and widely deviated point, तो इसका मतलब है कि we need to remove that. So let's move forward. So let's see what is data integration and transformation. Data transformation combines data from different resources. Normalization, scale to fall within a small specified range. हमने डेटा डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट किया. सो एक जगह पे जो है वो एक स्टैंडर्ड चल रहा था, दूसरी जगह पे दूसरा स्टैंडर्ड चल रहा था. ठीक है, तो वन वी नीड टू कंबाइन द डेटा इनटू वन फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, उसे हमें नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा, यानी कि उसे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड में लेकर आना. सो नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली दैट स्टेप कि हम 0 to 1 या -1 to 1 की रेंज में डेटा को ले आते हैं. एट्रीब्यूट एंड फीचर कंस्ट्रक्शन, न्यू एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन एडेड फ्रॉम द गिवन वंस, यानी कि हम पिछले एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए न्यू एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. जैसा कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ गिवन है, सो वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द पर्सन. डेटा रिडक्शन, डेटा रिडक्शन इज बेसिकली रिड्यूसिंग द डेटा, मर्जिंग मल्टीपल टेबल्स, डायमेंशन रिडक्शन, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, हमने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ कॉलम्स को. फीचर सिलेक्शन, इससे हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो लेकिन हमें एक एनालिसिस में कुछ कॉलम्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन रिड्यूस दोस, तो इसे कहते हैं फीचर सिलेक्शन का पार्ट. ठीक है, डेटा कंप्रेशन है, आपने वंस यू हैव कंपाइल्ड ऑल द डेटा, फिर आपने उसको किसी कंप्रेस फॉर्म में सेव कर दिया ताकि उसका साइज रिड्यूस हो जाए. तो दिस इज द डिस्क्रिटाइजेशन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्क्रीट कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर बकेट्स में या पर्टिकुलर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. डिवाइड डेटा इनटू बकेट एंड सम ईच बकेट, फॉर एग्जांपल सम ऑल द एम्प्लॉयज विद सैलरी इज इक्वल टू 5000. सो वी हैव अ कॉलम जिसमें हमने सब एम्प्लॉयज की सैलरी रखी हुई है, लिखा हुआ है कि इसकी सैलरी इतनी, इसकी सैलरी इतनी, इतनी सैलरी. अब बजाय इसके कि हम वो न्यूमेरिकल वैल्यूज रखें, व्हाट वी कैन डू इज कि हम उसके बकेट्स बना लेते हैं. बकेट्स से मुराद ये कि जी 5000 से
10,000 के दरमियान एक पकेट है। टेन थाउजेंड से 20 के दरमियान दूसरी पकेट है, ठीक है। 20 से 30 के दरमियान तीसरी पकेट है। और व्हेनेवर, और इसको हम ग्रुप का नाम दे देते हैं, लेट्स से सैलरी ग्रुप फर्स्ट, टू, थ्री, ठीक है। तो अब बजाय इसके कि हम उस कॉलम में सैलरी रखें, हम उधर 1, 2, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इट विल डिस्क्रिटाइज द कंटिन्यूस डेटा। इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास जैसे एजेस हैं लोगों की, तो हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है कि दिस इज 24, 25, 26, तो हम उसको भी कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। जैसे हम चार कैटेगरीज डिफाइन कर लें कि बेबी, चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड। ऑलराइट, सो इफ समवन इज इन अ पर्टिकुलर रेंज, जैसे 0 से 3 ईयर्स तक है, तो वो हमारे पास बेबी की कैटेगरी में आ जाएगा, तो उस कॉलम में हम बेबी लिख देंगे। अगर तो वो 4 से 12 साल तक है, तो हम कह देंगे इट्स अ चाइल्ड, ठीक है। सो इफ इट्स फ्रॉम 13 to 30, मे बी वी कैन से दैट इट्स यंग, ठीक है। एंड फ्रॉम वी कैन कॉल 30 अबव इज ओल्डर। ये एक खतरनाक बात है, तो बट लेट्स सी, अभी के लिए हम ये ग्रुप्स बना रहे हैं। मैनी ऑफ यू वॉन्ट एग्री विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो द डिस्क्रिटाइजेशन इज द बेसिकली हमने कंटिन्यूस डेटा को कुछ कैटेगरीज में डिफाइन कर दिए, ये भी हमारे एनालिसिस में समटाइम इट इज हेल्पफुल। सो दिस इज द समरी ऑफ आर टूडेज लेक्चर, कि हमें डेटा प्रीप्रोसेसिंग की ज़रूरत है, डेटा प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाट डज दैट इंक्लूड, एंड दिस जो हमने भी मेथड्स डिस्कस किए हैं, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं वो जनरली यही यूज़ करती हैं, लेकिन इट्स स्टिल अ स्टेट ऑफ रिसर्च आर्ट फील्ड जिसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं, और दे आर प्रपोजिंग न्यू मैथड्स टू डू अ क्लीनिंग प्रोसेस मोर इफेक्टिवली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। See you in the next lecture.